नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और आप देख रहे हैं हल्का बहादुरगढ़ की तस्वीरें। भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई नवीन बंटी, जैसे कि आपको पता है कि हर रविवार को किसी न किसी गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाते हैं और आज फिर इन्होंने आसोदा टोडारण में स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया, जिसमें 280 लोगों ने को चश्मे मिले और 420 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस अवसर पर आए ग्रामीणों ने, बुजुर्गों ने भाई नवीन बंटी को आशीर्वाद दिया और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं भाई नवीन बंटी का जोरदार स्वागत करते हुए ग्रामीण और युवा साथी जितने भी हैं वो सभी सबके सब इस मौके पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर जीवन ज्योति अस्पताल के मैनेजर आशीष भारद्वाज ने बताया कि अस्पताल में ECHS दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, मेट्रो व सभी इंश्योरेंस कैशलेस किसकी सुविधा है। इस अवसर पर धूप सिंह, जय कुमार, रामचंद्र, जय सिंह, सतीश, राजवीर, सुनील, कृष्ण, वीरेंद्र, महावीर, सुरेंद्र, राजेश, सतवीर, नफे सिंह, सत्यवान, रणबीर, ईश्वर, सुनील, राजेश, हंसराज, मोहन, दिनेश, कमला, प्रियंका, सरवती, कृष्णा, शीला, कमलेश, सुनीता, बबली आदि काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और कैंप का लाभ लिया। भाई नवीन बंटी युवा उभरते हुए युवा नेता हैं और जो हल्के के युवा हैं सबके दिलों की धड़कन है और सब इनको चाहते हैं। जितने भी बुजुर्ग हैं इन्होंने बड़े प्यार से इनको आशीर्वाद दिया। गांव के नौजवानों ने इनको फूल मालाओं के साथ जोरदार इनका स्वागत किया। भाई नवीन बंटी हर सप्ताह किसी न किसी गांव में ठीक इसी तरह स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाते हैं और गांव के हर साजिले काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखते रहें आप एडवांस भारत न्यूज, फिर किसी नई अपडेट के साथ आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज हरियाणा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।